नमस्कार दोस्तों, बटनेर आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम देखेंगे मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण। तो इससे पहले हमने पढ़ा जो भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमण हुए थे, तो आज हम पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण। तो इससे पहले आपको पीछे का मैं बता दूँ थोड़ा, क्योंकि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण हुए लेकिन पंजाब के अलावा कहीं पर भी उन्होंने अपना स्थायित्व प्रभाव नहीं छोड़ा। केवल पंजाब को छोड़कर देखे जाए तो हिंदुस्तान पर उनका जो हिंदुस्तान की साम्राज्य है उस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं रहा राजनीतिक रूप से देखा जाए तो। तो इसके बाद जो शासक आते हैं मोहम्मद गौरी, जिसे गुरुवंश का मोहम्मद भी कहा जाता है, जिसका जो वंश है गौर था और गौर ही राज्य का यह शासक बनता और वहीं का शासक या सुल्तान कहलाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे जो महमूद गजनवी है, जो गजनवी के शासक थे उनका मुख्य उद्देश्य का क्या रहा, केवल लूट तक ही सीमित रहा और भारत में साम्राज्य को दृढ़ करने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, मोहम्मद गौरी के द्वारा किया जाता है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे जो गौर प्रदेश है वो कहाँ पर है। यहाँ पर हम देखते हैं इस प्रकार से हम देखेंगे यहाँ भारत की स्थिति है, भारत की स्थिति है। तो यहाँ का जो क्षेत्र है मध्य एशिया है, या जो बीच का क्षेत्र है यहाँ पर मध्य एशिया है। यहाँ पर हमने पहले पढ़ा गजनी का क्षेत्र है, कौन सा है गजनी का, इधर हैरात का क्षेत्र है, इनके बीचों बीच देखे तो एक पहाड़ी पर बसा हुआ राज्य कौन था, गौर प्रदेश था और गौरी यहीं का निवासी था। हम देखेंगे सबसे पहले 1163 ईस्वी के लगभग गौर का एक शासक बनता है, एक स्वतंत्र शासक बनता है ग्यासुद्दीन। गौर का स्वतंत्र शासक कौन बनता है, ग्यासुद्दीन बनता है, तथा ग्यासुद्दीन के द्वारा गजनवी का सूबेदार अपने छोटे भाई मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी को यहाँ का सूबेदार नियुक्त किया जाता है। तथा गौर का शासक ग्यासुद्दीन तथा गजनी का शासक मोहम्मद गौरी को यहाँ पर नियुक्त किया जाता है। जो गौर का प्रदेश है यह अच्छी नस्ल के घोड़े पालने के लिए, क्या अच्छी नस्ल के घोड़े पालने के लिए व उच्च कोटि के शस्त्र बनाने के लिए विख्यात था। जब गजनी का सूबेदार होता है मोहम्मद गौरी, ग्यासुद्दीन की मृत्यु हो जाती है जब, तो मोहम्मद गौरी का गजनी पर अधिकार हो जाता है, गौर जो साम्राज्य है उस पर अधिकार हो जाता है। तथा भारत पर आक्रमण करने के कारण है जो मोहम्मद गौरी के वो कौन कौन से रहते हैं, उनमें सबसे पहले देखें तो मोहम्मद गौरी जो है वो गजनी का शासक होने के कारण पंजाब का क्षेत्र है, यहाँ पर जो भारत है यहाँ पर हम देखेंगे ये जो पंजाब का क्षेत्र है इस पर अपना पैतृक अधिकार समझता है, क्योंकि यहाँ पर गजनी के शासकों का ही राज्य रहता था और गजनी उसके अब अधीन हो गया था। यही कारण रहता है एक पूर्व की बजाय पश्चिम में साम्राज्य विस्तार करना आसान था। और मुख्य उद्देश्य जो इनका तुर्कों का रहता है वो भारत की धन संपदा को लूटना इनका मुख्य उद्देश्य रहता है। तो इसके बाद हम देखेंगे मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी का पूरा नाम मोइजुद्दीन, मोहम्मद गौरी का पूरा जो नाम है मोइजुद्दीन बिन सांग मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के द्वारा जो आक्रमण रहते हैं 1175 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक आक्रमण करता है। इससे पहले हमने देखा 1001 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी तक आक्रमण कौन करता है, महमूद गजनवी करता है। 1027 ईस्वी के बाद हम देखें और 1175 ईस्वी में मुल्तान पर गौरी का आक्रमण होता है, कहाँ पर होता है मुल्तान पर होता है। तो इनके बीच का जो समय है लगभग 148 वर्षों के बीच भारत पर या हिंदुस्तान पर अब तक कोई भी आक्रमण नहीं हुआ था। तो प्रथम जो आक्रमण है मोहम्मद गौरी के द्वारा मुल्तान पर किया जाता है 1175 ईस्वी में, कब किया जाता है 1175 ईस्वी में, कहाँ पर किया जाता है मुल्तान पर किया जाता है, तथा मुल्तान को मोहम्मद गौरी के द्वारा विजित कर लिया जाता है। फिर आगे हम देखेंगे
मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय भारत की स्थिति क्या रहती है, क्या देखेंगे। मोहम्मद गौरी का जो गौरी के जो आक्रमण है, मोहम्मद गौरी के जो आक्रमण है इसके समय भारत की स्थिति, भारत की स्थिति कैसी रहती है, किस प्रकार की थी। पिछला जो हमने पढ़ा मुल्तान पर विजय प्राप्त करता है, उससे पहले हम देखें तो भारत का जो भारत का मैप देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर चौहानों का साम्राज्य था, इस क्षेत्र में हम देखेंगे चौहानों का साम्राज्य था। यहाँ पर अजमेर है, अजमेर से लेकर दिल्ली का क्षेत्र है, यहाँ पर किन का साम्राज्य था, चौहानों का साम्राज्य था। और जो चौहान है, चौहानों का किससे संघर्ष चलता था, यहाँ पर हम देखेंगे चंदेल शासक परमर्दी देव के साथ भी इनका संघर्ष था। यहाँ पर हम देखेंगे कन्नौज का शासक है, कन्नौज का शासक यहाँ पर रहता है जयचंद गहड़वाल, उनके साथ भी इनका संघर्ष रहता है। और यहाँ पर हम देखेंगे चालुक्य नरेश हैं, इनके साथ भी क्या है, अजमेर के शासकों का संघर्ष रहता है। यानी कि भारत में उस समय जो अजमेर के चौहान एक बड़ी शक्ति थे और पृथ्वीराज चौहान तृतीय है उसका शासन यहाँ पर था। और अजमेर का चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान के द्वारा संयोगिता का अपहरण कर लिया जाता है, जो जयचंद्र गढ़वाल की पुत्री थी। इसी को लेकर इन दोनों वैमनस्य बना हुआ था, इनमें संघर्ष बना रहता था और आपस में इनकी कभी बनती नहीं थी। और जो भारतीय यहाँ पर हम देखे हैं शासक हैं, इनके बीच यह जो झगड़े हैं यह वंशानुगत ही चलते रहते थे। और यहाँ की स्थिति देखें तो इस क्षेत्र की हम स्थिति हम यहाँ पर देखेंगे। और मुल्तान के शासक थे यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण राजा थे, जैसे हम देखेंगे मुल्तान, मुल्तान का जो क्षेत्र है इस पर शिया शासक थे, सिंध का क्षेत्र है, सॉरी मुल्तान पर करमाती, सिंध पर शिया, और पंजाब का जो क्षेत्र है इस पर गजनी के जो वंशज हैं उनका अधिकार रहता है। तो इस प्रकार से जो तीन राज्य है, पंजाब सिंध और मुल्तान, ये किसके राज्य है, ये मुस्लिम राज्य रहते हैं उस समय के। और फिर हम देखें चौहान के द्वारा चंदेल शासक परमर्दी देव से भी महोबा छीन लिया जाता है। यहाँ पर हम देखें तो इनमें हम अनुभव करेंगे कि इन शासकों में एकता का अभाव था, बिल्कुल भी इनमें एकता नहीं थी। दूसरा गजनी से या गौर से मोहम्मद गौरी यहाँ पर आक्रमण करता है, कहाँ कहाँ पर आक्रमण करता है वो भी हम इसके बाद देखेंगे। इसके बाद जो मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद गौरी के द्वारा 1178 ईस्वी में अनहिलवाड़ा पर आक्रमण किया जाता है। कहाँ पर, अनहिलवाड़ा जो क्या रहती है, गुजरात के जो चालुक्य शासक है उनकी राजधानी रहती है। और उस समय यहाँ का शासक जो रहता है वो रहता है मूलराज, मूलराज द्वितीय, जिसकी संरक्षिका होती है नायकी देवी, नायकी देवी। और जब यहाँ पर हम देखते हैं मोहम्मद गौरी का अनहिलवाड़ा पर आक्रमण होता है तो इसका नेतृत्व कौन करता है, नेतृत्व कौन करता है इस युद्ध का, नायकी देवी के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। और यहाँ पर मोहम्मद गौरी इस युद्ध में बुरी तरह परास्त हो जाता है। और मोहम्मद गौरी की यह प्रथम हार होती है, भारत में मोहम्मद गौरी की प्रथम हार होती है। यहाँ पर हमें 1178 में हम देखेंगे अनहिलवाड़ा पर मोहम्मद गौरी का आक्रमण होता है, जहाँ का शासक कौन रहता है, मूलराज द्वितीय, और उसकी सुरक्षा उसकी माता नायिका देवी होती है। नायिका देवी के संरक्षण में यह युद्ध होता है तथा आबू के निकट यह युद्ध होता है जिसमें मोहम्मद गौरी की पराजय होती है। और हिंदुस्तान में मोहम्मद गौरी की अनहिलवाड़ा में पहली पराजय होती है 1178 ईस्वी में। इसके बाद हम देखें मोहम्मद गौरी का अगला आक्रमण फिर 1178 ईस्वी में पेशावर पर करता है, पेशावर यानी पंजाब कर करता है। और यहाँ का शासक कौन था, खुशरव शाह, खुशरव शाह यहाँ का शासक था, जो गजनियों के हम देखेंगे वंशज था। तो पंजाब पर यह पहले से ही अपना पैतृक अधिकार समझते थे तथा मोहम्मद गौरी के द्वारा खुशरव शाह पर आक्रमण किया जाता है। और इसके पुत्र को
बंदी बना लिया जाता है, और जब वह अपने शिविर में ले जाता है तो इसको संदेशा भेजता है कि मैं आपके पुत्र को आज़ाद करता हूँ। तो खुसरो शाह उसके हम देखेंगे स्वागत के लिए जाता है, तो खुसरो शाह को यहाँ पर विश्वासघात के साथ बंदी बना लिया जाता है और खुसरो शाह की यहाँ पर हत्या कर दी जाती है। और पंजाब पर किसका अधिकार हो जाता है? मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी का जो पंजाब पर 1186 ईस्वी में अधिकार हो जाता है। तो इसके बाद हम देखेंगे मोहम्मद गौरी इस बात को अनुभव करता है कि सिंध और मुल्तान की बजाय भारत पर आक्रमण करने का जो मार्ग है वो पंजाब ही उचित रहेगा। इसके बाद मोहम्मद गौरी जो है गौर से जितने भी अपने आक्रमण करता है पंजाब के क्षेत्र से करता है। अब हिंदुस्तान से इस विजय के बाद, पंजाब की विजय के बाद जो गौरी का संपर्क है हिंदुस्तान से अब होता है। यहाँ पर हम देखेंगे फिर से एक मैप बना लेंगे जो भारतीय साम्राज्य है। इस प्रकार से भारत का मैप है, यहाँ पर गौरी है, यहाँ से आक्रमण करने आता है और पंजाब के क्षेत्र को इससे पहले इसने विजित कर लिया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो चौहान है, यहाँ के शासक कौन है? चौहान है, अजमेर के शासक चौहान है। इनका जो साम्राज्य है अजमेर से लेकर के कहाँ तक सीमित है? दिल्ली तक इनका क्षेत्र है। अब गौरी का प्रदेश है जो पंजाब तक आ चुका है, गौरी ने भी पंजाब को विजित कर लिया है। तो अब इनकी जो सीमाएं हैं एक दूसरे को छूने लगी और इन दिन दोनों में क्या हो गया? युद्ध अवश्यम भावी हो गया। दिल्ली के निकट हम यहाँ पर देखेंगे हांसी का क्षेत्र है, हांसी पर जो राजपूत है पृथ्वीराज चौहान है अपना अधिकार कर लेते हैं। और बठिंडा पर भी क्या करते हैं? जो बठिंडा का क्षेत्र है उस पर भी पृथ्वीराज चौहान अपना अधिकार कर लेता है। तो इसके बाद हम देखते हैं, इस किलेबंदी के बाद हम देखते हैं, तो जब मोहम्मद गौरी गौर से चलता है तो वह बठिंडा पर अपना आक्रमण कर देता है। जो बठिंडा का दुर्ग है सबसे पहले आता है तो बठिंडा पर अपना आक्रमण कर देता है और इसे जीत कर बठिंडा को गौरी जब वापस जाने लगता है, गौरी क्या करता है? बठिंडा को विजिट कर लेता है और यहाँ पर अपना जियाउद्दीन के नेतृत्व में एक सेना यहाँ पर छोड़कर वापस जाने लगता है। तब इतने में क्या होता है? पृथ्वीराज अपनी सेना को लेकर वहाँ पर आ धमकता है। पृथ्वीराज चौहान अजमेर का शासक था और चौहानों में देखें तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय इस समय का सबसे शक्तिशाली शासक रहता है। तो जब वह अपनी सेना को यहाँ पर लेकर आ धमकता है तो इतने में वापस मोहम्मद गौरी को भी आना पड़ता है। तो इस समय क्या होता है? 1191 ईस्वी में त्राइन का प्रथम युद्ध होता है। त्राइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य होता है? एक तो मोहम्मद गौरी और दूसरा पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य त्राइन का प्रथम युद्ध कब होता है? 1191 ईस्वी को होता है। होने का कारण क्या है? बठिंडा पर यह अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं तथा जियाउद्दीन को उसका नेतृत्व सौंप दिया जाता है। इतने में अपनी सेना के साथ पृथ्वीराज चौहान भी यहाँ पर आ धमकता है और यहाँ पर इनमें भीषण युद्ध होता है। यहाँ पर हम देखेंगे जब इनके मध्य युद्ध हो रहा होता है तो पृथ्वीराज चौहान का एक भाई था गोविंद राय और गौरी के मध्य व्यक्तिगत रूप से संघर्ष होता है। तो गौरी के द्वारा गोविंद राय पर तलवार का वार किया जाता है और उसके दांत बाहर निकाल दिए जाते हैं और गोविंद राय को भी बड़ा गुस्सा आता है और अपनी तलवार के प्रहार से वह मोहम्मद गौरी की दाहिनी भुजा को क्या कर देता है? चीर देता है, उस पर घाव कर देता है, प्रहार करता है। तो जैसे ही हम देखते हैं मोहम्मद गौरी घोड़े पर सवार था और यह युद्ध कर रहा था और इतना गहरा घाव होने की वजह से क्या होता है? उसकी भुजा से रक्त का संचार होने लगता है। जैसे ही रक्त का संचार बढ़ता जाता है गौरी अपनी आँखें मूंदने लगता है और इससे पहले कि गौरी अपने घोड़े से गिरे और एक खिलजी सैनिक वहाँ पर आता है और मोहम्मद गौरी को युद्ध क्षेत्र से बाहर लेकर चला जाता है। और त्राइन का प्रथम युद्ध है जो इसमें मोहम्मद गौरी की क्या होती है? हार होती है और पृथ्वीराज
चौहान जो है वह इसमें विजित होती है। और यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान इसकी भागती हुई सेना का पीछा भी नहीं करता, कुछ मील दौड़ता है, उसके बाद इस सेना को जाने दिया जाता है। तो इस समय हम देखें तो 1191 ईस्वी का युद्ध होता है, त्राइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 ईस्वी में, होता किन के मध्य है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य होता है, जिसमें विजय किसकी होती है, पृथ्वीराज चौहान की होती है, और परास्त कौन होता है, मोहम्मद गौरी होता है, और मोहम्मद गौरी यहाँ से वापस चला जाता है। और 13 महीने बाद हम देखेंगे, 13 माह बाद भटिंडा के दुर्ग पर किसका अधिकार हो जाता है, पृथ्वीराज चौहान का या राजपूत सेना का इस पर अधिकार हो जाता है। भारत में हम देखें तो गौरी की यह दूसरी हार थी, इससे पहले वो 1178 में कहाँ हार चुका था, अनहिलवाड़ा का जो युद्ध है गुजरात में मूल राजद्वितीय से, इससे पहले वो हार चुका था। जब गौरी वापस अपने गजनी में चला जाता है, गौर प्रदेश में चला जाता है, तो वहाँ से भागने वाली सेना है, जो भागने वाले सैनिक हैं उनको दंडित करता है, उन्हें अपमानित कर अपने शहर में या नगर में घुमाता है, उनको लज्जित करता है। लेकिन गौरी उस समय तक नहीं टिक सकता था जब तक वह हिंदुस्तान के साम्राज्य को अपना नहीं लेता था, क्योंकि जो गजनी के शासक हुए उन्होंने केवल अपने को लूट तक सीमित रखा, और जो मोहम्मद गौरी था उसका उद्देश्य केवल भारत की संपत्ति को लूटना ही नहीं रहा, उसने मन में ठान रखी थी कि वह भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करेगा, इसलिए वह कभी चैन से नहीं बैठा। ऐसा माना जाता है कि जो पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज चौहान भोग विलासता में लिप्त हो चुका था, लेकिन मोहम्मद गौरी कभी चैन की नींद नहीं सोया, और वह फिर से तैयारियां करने लगा, ज़बरदस्त तैयारियां करने लगा, अपनी सेना में सुधार करने लगा, और मोहम्मद गौरी 1192 ईस्वी में फिर से तराई के मैदान में आ डटता है। फिर से यहाँ पर हम देखेंगे 1192 ईस्वी तराइन का द्वितीय युद्ध यानी सेकंड बैटल ऑफ तराइन यहाँ पर होता है 1192 ईस्वी में, तराइन के मैदान में आ जाता है, तथा यह संदेशा भिजवाता है किसको, पृथ्वीराज चौहान तृतीय को, कि वह इस्लाम धर्म को स्वीकार कर ले और मोहम्मद गौरी की अधीनता या आधिपत्य को भी स्वीकार कर ले। लेकिन पृथ्वीराज चौहान उसे युद्ध के क्षेत्र में ही निपटने की बात करता है। फिर हम यहाँ पर देखेंगे इन दोनों के मध्य फिर से घमासान युद्ध होता है, त्राइन का दूसरा युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का सेनापति खांडेराव व उसका भाई गोविंद राय, जिसकी वजह से उन्होंने पिछला मैच जीता है यानी युद्ध जीता है, गोविंद राय दोनों क्या होते हैं यहाँ पर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, और इनकी सेना है इस युद्ध में तितर बितर हो जाती है। और यहाँ पर हम देखेंगे पृथ्वीराज चौहान जो है इसे बंदी बना लिया जाता है सिरसा के निकट, वर्तमान सिरसा का क्षेत्र है, यहाँ पर इसे बंदी बना लिया जाता है। मिनहाज उस सिराज है वो इस बात को बताता है, इसकी जानकारी देता है अपनी बुक में कि बाद में जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय है वह मोहम्मद गौरी के अधीन अजमेर में शासन करता रहा, लेकिन पृथ्वीराज विजय का जो रचयिता है चंद्रवरदई वो बताता है कि मोहम्मद गौरी को गजनी ले जाया गया तथा पृथ्वीराज चौहान को गजनी ले जाया गया तथा पृथ्वीराज चौहान के द्वारा वहाँ पर मोहम्मद गौरी का वध कर दिया जाता है। लेकिन कुछ सिक्के भी मिले हैं अजमेर से जिनसे प्रतीत होता है कि मोहम्मद गौरी के अधीन पृथ्वीराज चौहान शासन करता रहा, अनुमान है यह, ऐसा इतिहास से अनुभव किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे 1194 ईस्वी चंदावर का युद्ध, इससे पहले हम देखें जो
तराइन का द्वितीय युद्ध है, यह भारत के लिए काफ़ी घातक सिद्ध होता है। एक महान घटना इतिहास में होती है जिसने आने वाले 500-600 वर्षों के लिए भारत में मुस्लिम साम्राज्य की जड़ें गाड़ दी। ऐसी घटना जो इससे पहले कितने आक्रमण हुए लेकिन कोई भी अपना साम्राज्य है जो भारत में स्थापित नहीं कर पाया, लेकिन मोहम्मद गौरी का जो यह तराइन का द्वितीय युद्ध था 1192 ईस्वी में हुआ, इसने भारत के पूरे इतिहास को ही पलट दिया और इसके बाद जो है मुस्लिम साम्राज्य की नींव यहाँ पर पड़ जाती है और यहाँ पर इसके बाद मोहम्मद गौरी अपने स्थाई साम्राज्य की सोच रखने लगता है और मन में ठान लेता है कि अब वह अपना साम्राज्य यहाँ पर स्थापित करेगा। लेकिन मोहम्मद गौरी कभी भारतीय साम्राज्य का सुल्तान नहीं बना, वह केवल गौर प्रदेश का ही सुल्तान रहा। यहाँ का जो साम्राज्य है वो ऐबक के द्वारा संभाला जाता है। तो एक महान परिवर्तन होता है, बड़ा परिवर्तन होता है भारतीय इतिहास में। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध होता है। यह किसके साथ होता है? जयचंद के साथ। अब जयचंद कौन था? कन्नौज का शासक था, कन्नौज का शासक था और इसका वंश कौन सा था? गहड़वाल वंश था। ऐसा माना जाता है कि जयचंद के द्वारा गौरी का साथ नहीं, इसका साथ नहीं दिया गया पृथ्वीराज चौहान का, जयचंद के द्वारा मोहम्मद गौरी को साथ दिया गया, इसलिए इसे इसके विश्वासघात के कारण ही पृथ्वीराज चौहान की पराजय मानी जाती है। तो 1194 ईस्वी में जयचंद गहड़वाल को भी परास्त कर दिया जाता है। जब जयचंद गहड़वाल अपने हाथी पर बैठकर लड़ रहा था तो इसकी आंख में एक तीर लगता है और हाथी से गिर जाता है, इतने में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो 1194 ईस्वी में भी मोहम्मद गौरी अपने साथी जयचंद गहड़वाल को भी परास्त कर यहाँ पर अपने साम्राज्य की स्थापना कर देता है। फिर उसके बाद हम देखें मोहम्मद गौरी यहाँ से वापस लौट जाता है, बिहार बंगाल आदि साम्राज्य को नहीं विजित करता। पीछे से जो मध्य एशिया में शासक हैं, दूसरे शासक हैं, आक्रमण करने लगते हैं पश्चिमी दिशा से और उत्तरी दिशा से, तो वहाँ पर जब विरोध उठता है तो वहाँ पर मोहम्मद गौरी चला जाता है। तो यहाँ का जो साम्राज्य है ऐबक उस समय उसको संभालता है। तो ऐबक के द्वारा हम यहाँ पर देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो इसका दास है मोहम्मद गौरी का। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1196 ईस्वी में अजमेर में क्या किया जाता है? अजमेर में संस्कृत विद्यालय के स्थान पर, हम देखेंगे संस्कृत विद्यालय के स्थान पर एक ढाई दिन का झोंपड़ा, ढाई दिन का झोंपड़ा नामक एक मस्जिद का निर्माण यहाँ पर करवाया जाता है। इसके बाद हम देखें तो बिहार और बंगाल का क्षेत्र है, यहाँ पर एक भद्दी शक्ल का और बौने कद का सेनापति या एक सरदार, खिलजी सरदार, जो बिहार और बंगाल को अपना निशाना बनाता है, जिसको अब तक कोई नहीं जानता था, तो उसके बारे में हम याद करेंगे। अख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी के द्वारा बिहार को विजय किया जाता है। किसको विजय किया जाता है? बिहार को जीत लिया जाता है। बिहार की विजय से इतना उत्तेजित होता है कि वह बंगाल को विजय करने की भी सोच लेता है और बंगाल पर जब वह आक्रमण करता है तो यहाँ का शासक कौन था? लक्ष्मण सेन यहाँ का शासक था, जिसकी राजधानी कौन सी थी? लखनऊ थी। काफ़ी आलसी शासक था। तो यहाँ पर हम देखेंगे बख्तियार खिलजी जब बंगाल पर आक्रमण करता है, इतनी धूर्त गति से, इतनी तीव्र गति से आक्रमण करता है कि उसकी सेना भी उसके साथ नहीं रहती, केवल 15 से लेकर 18 घुड़सवार उसके साथ रहते हैं और जो लखनौती के लोग हैं, उस शहर के लोग ऐसा सोचते हैं कि जैसा कोई ये घोड़ों का सौदागर होगा और उस पर कोई ध्यान नहीं देता। इतने में वह वहाँ पर मार काट और नरसंहार करना शुरू कर देता है। जब तक लखनौती के शासक लक्ष्मण सेन को इस बात का पता चलता है तो उसके महलों में वो जा धमकता है और लक्ष्मण सेन का वध कर देता है। इस प्रकार से बंगाल को भी क्या है? बख्तियारुद्दीन खिलजी है, विजित कर लेता है। तथा इस बख्तियारुद्दीन खिलजी के द्वारा ही नालंदा विश्वविद्यालय है, जो भारत का महान
विद्यालय रहा है, प्राचीन काल में हमने पढ़ा है, गुप्त काल में पढ़ा है, उस विश्वविद्यालय को एक मंदिर समझकर इस खिलजी सेनापति द्वारा उसे जला दिया जाता है और विक्रमशिला को भी इसके द्वारा लूटा जाता है। इन्हीं विजयों से उत्साहित होकर क्या करता है, बख्तियारुद्दीन खिलजी है जो नेपाल और चीन को जीतने की भी सोचता है, लेकिन वहाँ इसे मुँह की खानी पड़ती है और वापस आ जाता है। इस प्रकार से हम देखें मोहम्मद गौरी है जो, उसके द्वारा आक्रमण किए गए जयचंद्र गैडवाल, पृथ्वीराज चौहान, अनिलवाड़ा और पंजाब के क्षेत्र को ही जीता गया, लेकिन इससे आगे वह बंगाल तक नहीं बढ़ पाया। तो यहाँ पर इसके जो ये सरदार हैं, सेनापति हैं, इन्होंने ही आग जलाई रखी। इस समय हमने देखा बंगाल बिहार में गौरी के जो सरदार हैं, ऐबक हैं, जितने भी अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, तो पीछे से हम देखते हैं ख्वारिज्म का शाह, ख्वारिज्म के शाह के द्वारा गौरी को परास्त कर दिया जाता है। किसे परास्त कर दिया जाता है? गौरी को ख्वारिज्म के शाह के द्वारा परास्त कर दिया जाता है, जो पश्चिम में शासक थे उस समय गौर प्रदेश की। तो यह जो खबर है भारत में या हिंदुस्तान के क्षेत्र में, पंजाब के क्षेत्र में वनाग्नि की तरह फैल जाती है, यानी जंगल की आग की तरह फैल जाती है, तो यहाँ से विद्रोह के स्वर उठने लगते हैं। यहाँ से सरदार है या खोखर जनजाति हैं, फिर से विरोध करने लगती हैं। फिर से मोहम्मद गौरी वहाँ से वापस आता है और इनको दबाता है। लेकिन एक समय जब वह वापस गजनी की तरफ लौट रहा था 1206 ईस्वी में, तो संध्या की नमाज करते समय, संध्या की नमाज पढ़ रहा था, नमाज अदा कर रहा था, उस समय एक खोखर जाति के व्यक्ति के द्वारा उसका वध कर दिया जाता है। तो इसी के साथ गौरी की मृत्यु हो जाती है। गौरी की मृत्यु कब हो जाती है? 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु हो जाती है। तो गौरी का सफ़र हिंदुस्तान में 1175 में मुल्तान विजय से शुरू होता है और 1206 ईस्वी में सिंधु नदी के किनारे नमाज पढ़ते समय इसका वध हो जाता है। तो इसके बाद जो है अगला जो इसका उत्तराधिकारी रहता है वो रहता है ऐबक। और यहाँ पर हम देखें तो तुर्कों की सफलता के कारणों के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। जो तुर्क हैं इनकी सफलता और राजपूतों की असफलता के क्या कारण थे। ईश्वरी प्रसाद एक इतिहासविद हैं, ईश्वरी प्रसाद, उनका मानना है जो राजपूत और तुर्क युद्ध थे, यह दोनों ही एक ऐसी प्रथाएं थी, दोनों ऐसी प्रथाएं थी, एक तो युवा शक्ति से ओतप्रोत थी, एक वृद्ध और कमज़ोर हो चुकी थी। यहाँ पर हम देखेंगे वृद्ध और कमज़ोर राजपूत शक्ति को माना गया है और युवा और ओतप्रोत शक्ति से ओतप्रोत किसे माना गया है? तुर्कों को माना गया है, क्योंकि यह इस्लाम के नवीन अनुयायी थे और धर्मांध भी थे, साम्राज्य विस्तार के लिए थे। लेकिन राजपूत यहाँ पर आपस में ही आड़ाफिसी चल रही थी, आपस में ही इनके युद्ध हो रहे थे। इस कारण उनकी जो सैनिक शक्ति है वो प्राचीन हो चुकी थी, उनके अस्त्र शस्त्र हथियार तलवार भाला होते थे और इनके पास तीर कमान और अच्छे घुड़सवार होते थे, जो राजपूत शासकों पर या हिंदुस्तान के शासकों पर भारी पड़ते थे। और भी बहुत से कारण हैं इनके हारने के, जैसा कि जो राजपूत शासक थे वह युद्ध को एक टूर्नामेंट समझते थे, एक मैच समझते थे, यानी कि उनके लिए मरना ही महत्वपूर्ण होता था, वीर गति को ज़्यादा महत्व देते थे, वह युद्ध के क्षेत्र में अपना यानी जो रण कौशल है उसे दिखाते थे, उनके लिए मरना कोई बड़ी बात नहीं होता था। लेकिन जो तुर्क शासक थे सामदम धंडवे, वो विजय को ही मानते थे, मरना वो जरूरी नहीं मानते थे, वो विजय को ही महत्व देते थे। दूसरी बात हम देखें यहाँ पर तुर्कों की सफलता के क्या कारण थे और भारतीयों की असफलता के कारण। भारत है जो अनेक जनजातियों में या जातियों में विभक्त, यहाँ पर मुख्य रूप से चार जातियाँ थी जो प्राचीन काल में हम पढ़ चुके हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और तीन जातियाँ अलग थी और केवल लड़ने का जो उत्तरदायित्व है, युद्ध का जो उत्तरदायित्व है, केवल एक जाति पर छोड़ रखा था, यानी कि बाकी एक तिहाई जो सदस्य हैं वो युद्ध में भाग नहीं लेते थे। जैसे ही तुर्कों के आक्रमण होते हैं वो यहाँ पर अपना शासन स्थापित करते हैं, तो जो दलित और उत्पीड़ित जातियाँ हैं वो उनकी समर्थक बन जाती हैं, जो उनकी विजय का भी कारण रहती है। और दूसरा, उनके द्वारा यहाँ पर एक माना जाता है नगरीय क्रांति या गांव क्रांति आती है, ग्रामीण क्रांति, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे जो
दलित जातियाँ थी, उनको भी समान रूप से देखा जाता है, इस्लाम रूप धारण कर लिया जाता है उनके द्वारा, उनको भी हर प्रकार का कार्य करने की यहाँ पर सुविधा होती है या छूट मिल जाती है। इस प्रकार से उनका साम्राज्य है जो आगे बढ़ता है। तो इसी के साथ ही आज की हमारी कक्षा समाप्त होती है। तो कल से हम शुरू करेंगे सल्तनत काल, यानी कि दास वंश, मामलुक वंश और जो गौरी के उत्तराधिकारी रहते हैं, किस प्रकार से गजनी साम्राज्य से हिंदुस्तान के साम्राज्य को अलग करते हैं और किस प्रकार से वो अपना वहाँ पर वंश चलाते हैं और भारतीय साम्राज्य में इस्लाम को आगे लेकर चलते हैं। तो इसी के साथ ही जितने भी यूट्यूब चैनल देखने वाले साथी हैं, वीडियो देखने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद।